हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज चैप्टर से पहले आपको रेशियो वाला चैप्टर देखना, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1206 का एक तिहाई 134 का कितने प्रतिशत है? तो 1206 का एक तिहाई, तो पहले इसका एक तिहाई निकाल लो, कितना हो जाएगा? 3 × 12 0 और 3 × 2 6, तो ये आ जाएगा 402। ये बोला कि 402 134 का कितने प्रतिशत है, तो 402 जिससे कंपेरिजन करना हो वो वैल्यू नीचे आती है, तो नीचे आ जाएगा 134। परसेंटेज में निकालना है मल्टीप्लाई 100। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये इसका कितना मल्टीपल हो जाएगा? 3 मल्टीपल हो जाएगा इसका, और गुणा 100 यानी कि 300 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी जमा ए डिवाइड में बी माइनस ए बराबर है। ए का 120% बराबर है बी के 80% के बराबर, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, तो इनकी रेशियो निकाले, तो ए की रेशियो कितनी हो जाएगी, जो इसके सामने वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2 और बी की वैल्यू हो जाएगी 3। ये इन दोनों की रेशियो, ऐसे समझ नहीं आया, देखो यहाँ पर है 3A बराबर 2B के, तो यहाँ पर A है B को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में, यहाँ पर 2 था 3 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो A की रेशियो कितनी है 2, B की रेशियो है 3। ये इसको आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हो, जो A के सामने जो वैल्यू हो वो उठा कर यहाँ पर रख दो, B के सामने जो वैल्यू होती है वो उठा के यहाँ पर रख दो, तो इन दोनों की रेशियो ये आ गई। पूछा क्या है, B प्लस में A डिवाइड में B माइनस में A, तो ये हो जाएगा 5, और माइनस करेंगे 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 1 घंटे का y परसेंट 1 मिनट 12 सेकंड है तो y बराबर है, 1 घंटे का y परसेंट किसके बराबर है, 1 मिनट और 12 सेकंड के बराबर है, तो y की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो एक काम करो, सभी को जो यूनिट है वो सेम कर लो, यानी इसको भी हम सेकंड में बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड, 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 1 मिनट में होती है 60 सेकंड और 12 सेकंड पहले है, यानी कितनी हो जाएंगे 72 सेकंड। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, सेकंड से सेकंड कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 36 × 72, तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं, तद अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? परसेंटेज में हम कंप्लीट वैल्यू मानते हैं 100% के बराबर। फिर बोला इसमें से 31% कर देते हैं, तो कर कितने नहीं देंगे, 100 में से 31 को माइनस करेंगे तो 69% लोग टैक्स नहीं देते, और उनकी संख्या इसने दे रखी है 20,700 के बराबर, तो इसको इसके बराबर रख लेंगे। पूछा क्या है, कर्मचारियों की कुल संख्या यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो सिमेट्री लगा लेते हैं, ये इसका कितना मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है इसका ये, और 2 0 यानी कि 300 मल्टीपल हो जाएगा, तो 100 × 300 करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000, 30,000 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते, तद अनुसार उस टीम द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत कितना है? तो कितने मैच जीते हैं, 24, नीचे आते हैं टोटल, टोटल मैच खेले थे उसने 40, परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 4 × 6 = 24, 10 × 6 हो जाएगा 60%, तो 60% मैच उसने जीते थे, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया, तद अनुसार उसका वेतन, उसका पूरा वेतन कितना था, यानी हम मान लेते हैं कि उसका वेतन पहले 100% था, अब उसमें 20% की वृद्धि होगी तो उसका वेतन कितना हो जाएगा, 120%, और ये 120% किसके बराबर दे रखा है, 24,000 के बराबर, तो उसका पूरा वेतन कितना था, यानी कि 100% की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, सिमेट्री लगा लो, ये इसका कितना मल्टीपल है, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 12 × 24 यानी 200 मल्टीपल है ये इसका, तो 100 का भी 200 मल्टीपल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 4 = 0 यानी कि 20,000 उसका वेतन था पहले, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 7, दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ, तद अनुसार डाले गए मतों की संख्या कितनी थी? तो हम मान लेते कि 100% वोट डले, जो उम्मीदवार जीता उसने 57% वोट प्राप्त किए, तो हारे हुए ने कितने प्राप्त किए होंगे, 43%। अभी कितने परसेंट वोटों से जीत गया, ये परसेंटेज में जीत गया
14% से, और इसने बोल रखा है कि वो 42,000 वोटों से जीता, यानी 14% की वैल्यू किसके बराबर है, 42,000 के बराबर है। पूछा क्या है, डाले गए कुल मतों की संख्या यानी कि 100% की वैल्यू हमें ऐसे निकालनी है। सिमेट्री लगा लेते हैं, इसका कितना मल्टीपल है, 14 42 यानी कि 3,000, तो 100 × 3,000 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 0 और 2 ये 0, यानी कि ये 3 लाख वोटर टोटल डले थे। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। तो क्या बोला कि ए सी से 50% बड़ा है, इससे 50% ये बड़ा है। फिर बोला है बी सी से 25% बड़ा है, जो बी है वो सी से 25% बड़ा है, प्लस में लिख लेते हैं इसको। तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो सबसे पहले हम सी को मान लेते हैं 100, तो ए कितना हो जाएगा 150, क्योंकि इससे 50% बड़ा है, ये इससे 25% बड़ा है, यानी कि 125 हो जाएगा। अब पूछा क्या है वो देख लो, ए ये रहा बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो ये 25 बड़ा है, कंपेरिजन किससे करना, बी से, तो नीचे आएगी बी की वैल्यू 125 और मल्टीप्लाई में 100, तो 25 × 125 और ये हो जाएगा 20 × 100, यानी कि 20% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया, ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। देखो तीन ग्रुप बना रखे हैं, ए बी और सी, टोटल मान लेते हैं कि 100% है। फिर बोला है एक कॉलेज में 40 छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, यानी कि 100% टोटल है, तो उसमें से 40% को ए ग्रुप दे दिया गया, जो शेष बचे, शेष कितने बच जाएंगे 60, तो 60 का 75% ग्रुप बी को दिया गया, तो सी को कितना दिया गया होगा 60 का 25%, 60 का 25% ही तो बचेगा, 75 तो बी में चले गए, 25 बचेंगे वो सी में चले जाएंगे, और सी में गए थे 12 छात्र, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 12, ये परसेंटेज में है, तो ऐसे सोल्व करें इसको, 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 15, यानी कि 15% की वैल्यू किसके बराबर है, 12 के बराबर है। पूछा क्या है, ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या यानी कि 100% की वैल्यू हमें ऐसे निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 12 बटा 15 गुणा में 100, 5 3 15 और यह आ जाएगा 20, 3 से सोल्व करेंगे 4, 20 चौका 80, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स थे 80। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 10, एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं, 25% नीले गोले और 50% काले गोले निकाल लिए गए, तब काले गोलों का प्रतिशत क्या होगा। तो एक डिब्बे में ब्लू रेड और ब्लैक ये गोले हैं, तो ब्लू है 100 और रेड है 50 और ब्लैक है, ब्लैक भी 50 है, ये ब्लैक है। फिर बोला है 25% नीले गोले, तो 25% नीले गोले निकाल लिए, तो बचेंगे कितने अब 75, और 50% लाल निकाल लिए, तो अब कितने बचेंगे 25। पूछा क्या है काले गोलों का प्रतिशत कितना होगा, तो काले गोले तो अभी 50 ही हैं, उसमें नीचे क्या आता है टोटल, टोटल कितने हैं, अब 75 रह गए ब्लू, 25 रह गए रेड और ब्लैक 50, यानी कि हो जाएगा 100 और 50 150, टोटल अब 150 बच गए, पहले कितने थे, पहले 200 थे, मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, 0 से 0 5 3 15, 100 बटा 3 होता है 33, सही 1/3%। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले, यानी कि यहाँ पर हम मान लेते हैं महुआ और ये सुप्रिया, अगर सुप्रिया को 100 मार्क्स मिले तो महुआ को मिले 10% कम यानी कि 90 मिले। फिर बोला महुआ को 81 अंक मिले, यानी कि 90 की वैल्यू किसके बराबर दे दी इसने, 81 के बराबर, तो सुप्रिया के अंक कितने थे, तो 100 की वैल्यू हमसे पूछिए, सिमेट्री लगाएं तो 0 हटाकर ये इसका 9 मल्टीपल है, तो ये अभी 0 हटाकर 9 मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 90, यानी इसको मिले थे 90 अंक। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 12, ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है, बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है, ए का मासिक वेतन कितना होगा, तो इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, तो ए बी और सी, यहाँ पर हम एक दे रखा है मंथली इनकम और एक है ईयरली इनकम, पहली बात क्या बोला था,
इसको नीचे से पढ़ो क्योंकि नीचे वैल्यू दे रखी थी। सी का वार्षिक वेतन यानी कि ईयरली जो इनकम है वो थी इसकी 6 लाख रुपए, 6 लाख हो जाएगा। तो मंथली कितनी हो जाएगी, इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा यानी कि 12 × 5 = 60, तो 50,000 इसकी मंथली इनकम हो जाएगी सी की। अब ऊपर से पढ़े क्वेश्चन को कि ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है, बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, तो इसका 40% कितना हो जाएगा जो है बी का वेतन। 50,000 का अगर हम 40% निकालें तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 यानी कि 20,000 हो जाएगा। जो बी की मासिक वेतन है वो 20,000 रुपये है, तो ईयरली कितना हो जाएगा ये 12 × 24 यानी कि 2,40,000 रुपये हो जाएगा इसका ईयरली। फिर बोला ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है, यानी जो ए का वार्षिक वेतन है उसका 25%, 25% होता है 1/4, बी के वार्षिक वेतन का, बी का वार्षिक वेतन था 2,40,000 रुपये, इसके 80% के बराबर है, 80% होता है 4/5, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 20 = 48 यानी कि 48,000 यहाँ से आएगा, और 4 × 4 ये हो जाएगा 16, तो 48,000 × 16 ये इसकी ईयरली इनकम है ए की। तो मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 12 × 48 = 48, 16 × 64, 64,000 ए की मंथली इनकम हो जाएगी, यही हमसे पूछा था ए का मासिक वेतन कितना है, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यदि x का 50% y के 30% के बराबर है, तो परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0 कैंसिल, x की रेशियो कितनी आ जाएगी 3, y की रेशियो कितनी आ जाएगी 5। पूछा क्या है x रेशियो y क्या होगा, तो 3:5 ही होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। तो हम मान लेते हैं कि पहले सप्लाई थी 100 लीटर मान लो या केजी मान लो, कुछ मान लो 100 kg थी पहले और ये चलती थी 35 दिनों तक। तो अब बोला है कि इतनी ही मात्रा अगर 40% प्रयोग बढ़ जाए तो 140 हो जाए, अब कितने दिन चलेगी ये इसने पूछा है, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। 140 को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में, अब 0 से 0 कैंसिल, 7 से कैंसिल करें, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, 2 × 5 = 10, 5 × 5 यानी कि 25, अब चलेगी ये 25 दिन, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 15, यदि ए का 60% बी का 30% के बराबर है, ए का 60% बी के 30% के बराबर है, तो परसेंटेज और 1 0 से कैंसिल, 3 × 6, ए की रेशियो हो जाएगी 1, बी की रेशियो हो जाएगी 2। फिर बोला बी सी का 40% है, यानी बी बराबर है सी के 40% के, 40% होता है 2/5, 5 को इस साइड लेके आएंगे तो बी की रेशियो कितनी हो जाएगी 2 और सी की रेशियो हो जाएगी यहाँ से 5। फिर बोला सी ए का एक्स परसेंट है, तो एक्स परसेंट का मान क्या होगा, यानी कि हमें क्या बताना है, सी ए का एक्स परसेंट है तो हमें ए बताना कि सी का कितने प्रतिशत है। अब यहाँ पर रेशियो देखो, यहाँ पर रेशियो बी की 2 है और यहाँ पर भी 2, यानी कि हमें इसको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, तीनों की रेशियो निकाल ली, ए की है 1, बी की है 2 और सी की है 5। फिर बोला था सी बराबर है ए का एक्स परसेंट, तो एक्स की वैल्यू निकालनी, यहाँ पर वैल्यू रख लो, सी की है 5, ए की है 1, गुणा में एक्स डिवाइड में 100 उसे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 16, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, कार्यालय में विवाहित अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। तो हम मान लेते हैं कि 100% कर्मचारी हैं किसी कार्यालय में, फिर बोला कि 40% महिलाएं हैं, यानी कि 40 तो महिलाएं हैं इसमें, फीमेल होगी तो फीमेल कितने, सॉरी मेल कितने होंगे 60। फिर बोला 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो अविवाहित कितने होंगे, 40 का 70% तो विवाहित है यानी 30% अविवाहित होगा, तो संख्या कितनी हो जाएगी 12 महिलाएं अविवाहित हैं, और पुरुषों में टोटल थे 60 और पुरुषों का 50% विवाहित है, यानी कि अविवाहित कितने होंगे 30 और 30 ही विवाहित हैं। अब पूछा है अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है, तो टोटल तो है ये 42, टोटल थे नीचे 100, 42 अविवाहित हैं और टोटल कर्मचारी 100 थे, गुणा में 100 करेंगे 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 42% स्टाफ अविवाहित हैं, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17, मुकेश के पास सोहन से
मुकेश के पास सोहम से दुगनी धनराशि है। सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपये हो तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है? यहाँ पर लिख लेते हैं मुकेश, यहाँ पर है सोहम और यहाँ पर पंकज। पहले ने बोला था कि मुकेश के पास सोहम से दुगनी धनराशि है और सोहम के पास पंकज से 50% अधिक है, 50% अधिक धनराशि है। तो आप एक काम करो, पंकज के पास मान लो कि 100% है तो इससे 50% अधिक यानी कि 150 हो जाएगा सोहम के पास, और इससे दुगुनी है कौन था ये मुकेश, इसके पास कितनी हो जाएगी फिर 300। अब इनका औसत कितना हो जाएगा, सभी का जोड़ करें तो ये हो जाएगा 300, 400, 500 और 550, डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, ये इनकी औसत हो जाएगी। इसने औसत दे रखी हमें 110 रुपये। तो पूछा क्या है, मुकेश के पास कितनी राशि है, तो मुकेश के पास 300 थी, तो 300 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल और 11 5 55, यानी कि 1 की वैल्यू है 3/5, तो 300 की कितनी हो जाएगी, 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 60, 3 6 18, यानी कि 180 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं, स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? टोटल छात्र हैं 1400 और इनमें से 25% चश्मा लगाते हैं, यानी कि इसका 25% निकाले तो 25% होता है 1/4, तो 1400 का हमें 1/4 निकालना है, ये हो जाएगा 4 3 12 4 5 20, यानी कि 350, 350 ऐसे बच्चे हैं जो चश्मा लगाते हैं और इन चश्मा लगाने वालों में से 2/7 तो लड़के हैं, तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी, 5/7, और यही हमें निकालना है, 7 5 35 10, ये हो जाएगा 250, 250 लड़कियाँ हैं जो कि चश्मा लगाती हैं, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 19, यदि x का 10% y के 15% के तिगुना हो, यानी कि y का 15% और इसका तिगुना x का 10% हो, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 5 × 10 5 × 15, यानी x की रेशियो कितनी आ जाएगी, 3 3 9, y की रेशियो आ जाएगी 2। पूछा क्या है वो देखो, x रेशियो y तो 9:2 हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत होगा, यानी 36 मिनट की वैल्यू बतानी है एक दिन के रिस्पेक्ट में, तो एक दिन में कितने मिनट होंगे ये निकालना है, क्योंकि यूनिट हमें सेम करनी होती है। एक दिन में घंटे होते हैं 24 और एक घंटे में मिनट होती हैं 60, यानी कि एक दिन में इतनी मिनट हो जाएंगी, तो मल्टीप्लाई में 100 परसेंटेज बनाने के लिए 10 से 10 कैंसिल, कैंसिल करेंगे 6 6 6 24, 10/4 कितना हो जाएगा, 4 2 8 4 5 20, तो 2.5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, यदि ए बी के 20% के बराबर है, यानी कि ए बटा बी लिखें इसको, 20% होता है 1/5, यानी अगर बी 5 है तो ए कितना है 1, इसके बराबर ही बोला इसने। फिर बोला बी सी के 25% के बराबर है, बी बटा सी लिखें, 25% होता है 1/4, अगर सी 4 है तो बी 1 हो जाएगा, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है? अब यहाँ पर देखो बी 2 जगह है, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 1 है, तो बी को बराबर करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 20। पूछा क्या है कि सी का कितना प्रतिशत, सी का कितना प्रतिशत, तो नीचे एंटर लिखते हैं ए के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 लिखें यहाँ पर, 20 5 100 और 5 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं, उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? हम मान लेते हैं टोटल 100% है, इनमें से जो 32% है वो तो हैं फीमेल्स और जो 54% है वो हैं मेल, और जो बाकी बच गए कितने परसेंट बच जाएंगे, ये हो जाएगा 4 2 6 5 3 8 86%, तो बच गए 14%, ये हैं बच्चे और बच्चे इसने दे रखे हैं कितने 196, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 14 के बराबर, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है। पूछा क्या है उस विवाह समारोह में पुरुष कितने थे, तो पुरुष थे 54%, 54% की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि 54 × 14 कितना हो जाएगा, 14 4 56, 5 14 5 70 और 5 75, तो 756 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 23, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है,
तो चीनी की कुल मात्रा बताइए। चीनी मान लेते हैं कि 100% थी पहले, तो 5% बिक गई, तो कितनी बचेगी? 95%। और ये क्या कह रहा है कि 5 किलोग्राम चीनी बची, यानी कि 95% की जो वैल्यू वो 5 किलोग्राम के बराबर है। चीनी की कुल मात्रा कितनी थी? तो 100% थी कुल मात्रा, इसकी वैल्यू निकाल लो 5/95 और गुणा में 100, ये हो जाएगा नीचे 1900/19, 19 5 95 बचेगा 5 और नीचे 19, तो 5 सही 5/19% परसेंट नहीं है किलोग्राम होगा। ऑप्शन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 24। एक्स वाई से 5 गुना लंबा है, यहाँ पर मान्य एक्स, यहाँ पर मान्य वाई, तो अगर वाई एक है तो इसे 5 गुना लंबा हो जाएगा, यानी कि 5 वैल्यू हो जाएगी। तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? 4 कम है। किससे? एक्स से, नीचे एक्स आएगा गुणा में 100, ये हो जाएगा 4/5 हमें डायरेक्ट भी होता है क्योंकि 80% होता है, इसको भाग करके देखो तो भाग करके देख लेना। ऑप्शन थ्री, क्वेश्चन नंबर 25। कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए। तो हम मान लेते हैं कि उसने वही खाए 100% सेब, 100% उसने खाए, तो बेचे कितने होंगे इससे 40% अधिक, यानी कि 140% उसने बेचे होंगे। और ये कह रहा है कि उसने 70 बेचे, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है? 1/2। पूछा क्या है उसने कितने सेब खाए, हमने माने थे 100% उसने खाए थे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50, क्योंकि 1% की वैल्यू 1/2 है। तो ऑप्शन थ्री इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। 0.6 और 0.6% के बीच का अंतर क्या है? 0.6 यानी कि 6/10 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, और 0.6% यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, अब परसेंटेज हटाएंगे तो अभी नीचे 100 आएगा, इनमें अंतर पूछा है। तो ये तो सिंप्लीफिकेशन से आ गया, इसमें कुछ नहीं करना, नीचे भी 1000 बना लो यहाँ पर, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। अब नीचे जब डिनोमीटर सेम हो जाता है तो आसानी से घटा और जोड़ सकते हैं। अब 600 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 594, और नीचे है 1000, तो पॉइंट लगा दो इसके लिए, ये हो जाएगा 0.594। ऑप्शन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 27। 1600 का 6 सही 1/4%, 1600 का मतलब गुणा होता है 6 सही 1/4%, तो ये हमें पता है डायरेक्ट क्या होता है, 1/16 होता है ये, और जमा में 800 का 12 सही 1/2%, ये होता है 1/8 के बराबर। इन वैल्यू को डायरेक्ट याद कर लेना, नहीं एग्जाम में फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे 100 आएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे 100 आएगा, 100 और 100 200 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अब चलते हैं 28 पर। पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची, इस वर्ष 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य है, बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? यानी कि बेची कितनी है? 41,800, और लक्ष्य था 51,300 बेचने का, तो कितने की कमी रह जाएगी, कितनी बढ़ानी पड़ेगी? ये हो जाएगा 2013 में से 5, 8 माइनस करेंगे 5, फिर 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, यानी कि 9500 बढ़ानी पड़ेंगी। बेची कितनी थी? 41,800 मल्टीप्लाई में 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा किससे कैंसिल होगा, अभी 19 से कैंसिल कर लेते हैं, 19 5 95, और 19 2 38 कितना बचेगा? 3, 19 2 38 हो जाएगा। अब कैंसिल कर लेते हैं 2 से, यहाँ से आएगा 11, यहाँ से 50, यानी कि 250/11, तो 11 2 22 कितना बचेगा? 3, 11 2 22 बचेगा फिर 8, तो 22 से ही 8/11% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 29। 120 मशीनी पुर्जों के मोटर में 5% पुर्जे खराब हैं, और 30 मशीनी पुर्जों के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब थे, दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना होगा? यानी कि 120 मशीनें हैं उनमें तो 5% पुर्जे खराब हैं, तो कितनी मशीनें हो जाएंगी ऐसी? ये हो जाएगा 12 5 60, और 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 6 मशीनें यहाँ से आ जाएंगी। फिर बोला जो 80 मशीनें हैं उनमें 10% पुर्जे खराब, यानी कि 1/10, तो 8 ऐसी आ जाएंगी यहाँ से, टोटल कितनी खराब हो जाएंगी? 8 और 6 14, टोटल पहले कितनी थी मशीनें? 120 और 80 200 थी, और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल, 14/2 यानी कि 7%। ऑप्शन 1, नंबर 30। मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशत का माप क्या होगा? 1.5 मीटर लंबी लाइन को हमने कितना माप लिया? 1.55 मीटर माप लिया, तो कितना ज़्यादा माप लिया? ये हमने माप लिया 0.05 ज़्यादा माप लिया,
किसके रिस्पेक्ट में, 1.5 के रिस्पेक्ट में, और मल्टीप्लाई में 100। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करना, तो इसके पॉइंट के बाद डिजिट सेम कर लेते हैं, यहाँ पर दो डिजिट है, यहाँ पर एक है, तो एक जीरो लगा देते हैं। अब डिजिट सेम हो गया, यानी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 30, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे 10/3, यानी कितना हो जाएगा 3 से ही 1/3%। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 31, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को और शेष अपने बच्चों को देता है, बच्चों के पास पत्नी को दिया दिए धन का कितना प्रतिशत है। तो हम मान लेते हैं कि 100% उसके पास उसकी राशि है और 40% उसने अपनी पत्नी को दे दी, यानी कि 40 अपनी वाइफ को दे दी, तो बाकी कितनी बचेगी 60, 60 अपने बच्चों को दे दी। बोला क्या है, बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है, यानी कि 60 40 का कितना प्रतिशत है, ये हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल कर लेते हैं, 2 × 4 × 2 = 6। देखो अब ये हो जाएगा कितना, 300/2, यानी कि 150, 150 इसका आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 32, यदि ए 360 से 20% अधिक है तो ए का मान क्या होगा। जो ए है वो 360 से 20% अधिक है, यानी कि इसका 120% होगा। 2 × 0 = 2 कैंसिल कर लेते हैं, 12 × 6 = 72, हसल लगेगी 7, 12 × 3 = 36, 36 और 7 = 43, यानी कि 432 हो जाएगी इसकी वैल्यू 32 में, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33, 500 को पहले 20% से घटाया गया तथा फिर उसे 25% से घटाया गया, अंतिम मान क्या होगा। तो 500 को पहले 20% से घटाया गया, यानी कि इसकी 80% की वैल्यू निकाल लेंगे, अब ये वैल्यू बच जाएगी। अब इसको 25% से घटाया गया तो कितनी बच जाएगी, अब 75% बच जाएगी, ये वैल्यू हमें निकालनी है। 2 × 0 = 2 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 20, 20 × 4 = 80, 75 × 4 = कितना हो जाएगा 150 × 2, यानी कि 300, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 34, पचास हज़ार का 120% होता 6/5 का 0.08, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा और परसेंटेज हटाएंगे तो उसके लिए फिर अलग से 100 आएगा, इसका मान हमें निकालना है। तो 4 × 0 = 4 कैंसिल, 5 × 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 6 × 8 = 48, 48 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35, एक्स का 90% वाई का 40% के बराबर है, एक्स का 90% वाई के 40% के बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एक्स की रेशियो आएगी 4, वाई की रेशियो आएगी 9, वाई एक्स का ए परसेंट है तो ए का मान क्या होगा, यानी वाई एक्स का ए परसेंट है तो हमें क्या निकालना कि वाई एक्स का कितने प्रतिशत है, वाई एक्स का कितने प्रतिशत है, तो 9/4 गुणा में 100, तो ये हो जाएगा 25, 25 निमा कितना होता है 225, तो 225% इसकी वैल्यू हो जाएगी, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 36, 600 के 150% नीचे आएगा 100 का 0.02, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 और परसेंटेज हटाएंगे तो उसके लिए 100, 2 × 0 = 2 कैंसिल, इस 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से कैंसिल करें तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट को बाद में लिख लेंगे, कैंसिल नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा 15 × 6 = 90, 90 × 180, तो 180 1 0 से 1 0 हटा लेंगे तो 18/100, यानी कि 0.18 इसका आंसर होगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 37, पी बराबर है 350, क्या बराबर है 600, पी क्या उसे कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है पी क्या उसे, ये हो जाएगा 250 कम है, नीचे क्या आएगा किससे कंपेयर करना क्या उसे, तो क्या होता है 600 मल्टीप्लाई में 100, 2 × 0 = 2 कैंसिल, अब ये हो जाएगा 6 × 4 = 24, बचेगा 1, फिर 6 × 6 = 6 और फिर लगेगा ये पॉइंट और फिर 6 पर जाएगा 6 × 36, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 38, यदि ए 20 से 40% अधिक है, ए जो है वो 20 से 40% अधिक है, 40% होता है 2/5, अगर बी 5 है तो इसे 2 अधिक यानी कि 7 हो जाएगा। पूछा क्या बी ए से कितने प्रतिशत कम है, जो बी है वो ए से कितने प्रतिशत कम है, 2 कम है, किससे ए से, नीचे आएगा 7 मल्टीप्लाई में 100। अब 1/7 की वैल्यू डायरेक्ट पता होनी चाहिए, ये होता है 14 से 2/7%, इसका दुगुना करना यानी कि 28 से 4/7% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 39, ग्यारह सौ पच्चीस
के 88% यानी कि 88/100। जमा में 625 का 20%, 20% होता है 1/5, इसका मान हमें निकालना है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 25 से 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से कैंसिल करेंगे 22, तो ये हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं 2 × 11, 45 जोड़ी 90, 90 × 11 यानी कि 990, और जमा में ये हो जाएगा 425 था, ये 5 × 8 = 40 और 5 × 25 85, इसमें ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5 × 8 = 9 = 17 यानी कि 1075 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 40, यदि एक्स वाई से 60% अधिक है, एक्स और यहाँ पर वाई, 60% होता है 3/5, अगर वाई 5 है तो इसे 3 अधिक हो जाएगा एक्स यानी कि 8 हो जाएगा। पूछा वाई एक्स का कितने प्रतिशत है, वाई एक्स का कितने प्रतिशत है, तो 5/8, ज़्यादा या कम नहीं पूछा, ध्यान से पढ़ना है, मल्टीप्लाई में 100, तो ये कितना हो जाएगा 500/8, और डायरेक्ट भी हमें पता है कि 1/8 होता है 12 सही 1/2, तो इसका 5 मल्टीपल निकालना है, तो 12 × 5 = 60 और 5/2, 2 × 2 = 4 यानी कि 62.5 हो जाएगा ये, किस ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41, पी का 60% बराबर है, पी का 60% बराबर है क्यू के 50% के, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, पी बराबर हो जाएगा 5:0, क्यू हो जाएगा 6:0। पूछा क्या था, क्यू पी का एक्स परसेंट है, तो एक्स का मान क्या होगा, यानी कि हमें बताना कि जो क्यू है वो पी का कितनी प्रतिशत है, तो क्यू हो जाएगा 6, नीचे आएगा पी मल्टीप्लाई में 100, तो कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60 यानी कि 120, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 42, ये फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, क्यू बराबर दे रखा पी का एक्स परसेंट, तो यहाँ पर वैल्यू रख देना पी की, क्या हो जाएगा 42। ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% अधिक है, यदि डी ए से 25% कम है, तो निम्न में से कौन सा सही है। देखो इसको ऐसे करना है, यह पर मानते हैं ए और ये बी, क्या बोला है, ए बी से 20% कम है, 20% कम है ये, तो माइनस से नोट कर लेते हैं, सी डी से 30% अधिक है, सी अधिक है डी से कितना 30%, फिर बोला है डी ए से 25% कम है, जो डी है वो ए से 25% कम है, तो अगर हम बी को मान ले 100 और ए इससे 20% कम है, यानी कि ए कितना हो जाएगा 80, अब जो डी है वो ए से 25% कम है, 25% कितना होता है 1/4, इसका 1/4 निकालेंगे आएगा 20, 20 कम है यानी कि डी की वैल्यू 60 हो जाएगी, फिर सी जो है वो डी से 30% अधिक है, अगर इसका 30% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18, 18 अधिक है यानी कि कितना हो जाएगा 78, अब चारों की वैल्यू हमने निकाल ली, अब ऑप्शन में पुट कर लेते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है कि बी बराबर, बी कितना है 100, 0.3 यानी कि 39/100 और गुणा में सी, सी कितना है 78, तो ये 78 इसके बराबर नहीं होगा, ये आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन सेकंड देखिए, सी बराबर है, सी यानी कि 78 बराबर है 78/100 और बी, बी कितना है यहाँ पर 100, यानी कि 100 से 100 कैंसिल करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43, ए बी से 20% कम है, वैसा ही क्वेश्चन है ये, ए 20% कम है और सी डी से 20% अधिक है, सी डी से 20% अधिक है, प्लस से डिनोट कर लेते हैं, डी ए से 25% कम है, ए से कितना कम है 25%, तो बी को मान लेते हैं 100, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, इससे 25% कम यानी कि ये हो जाएगा 20, 20 कम यानी कि 60, इससे 20% अधिक यानी कि 20% कितना हो जाएगा 12, 12 अधिक यानी कि सी की वैल्यू हो जाएगी 72। अब ऑप्शन में पुट कर लेते हैं, बी दे रखा है, बी यानी कि 100 किसके बराबर दे रखा है 675/1000 और गुणा में डी, नहीं गुणा में सी, सी है 72, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे यानी कि आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन सेकंड देखिए, सी, सी किसके बराबर है 72 बराबर 72/100 और मल्टीप्लाई में बी, बी की वैल्यू है 100, तो 100 से 100 कैंसिल करेंगे दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 44, यदि ए बी से 28% अधिक है, यहाँ पर ए मान लेते हैं यहाँ पर बी, इससे ये 28% अधिक है, तथा सी ए से ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी जो है वो इन दोनों के योग से 25% कम है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है ये हमसे पूछा है, तो बी को मान लेते हैं हम 100, तो ए कितना हो जाएगा 128, अब इनका योग कितना हो जाएगा 228, इससे 25% कम है यानी कि इसका 75% होगा, 75% होता है 3/4,
तो ये हो जाएगा 4 5 20, 6 7 28, 3 7 21, 2 3 5 15 और 2 17, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 171। पूछा क्या था, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हो जाएगा 11 में से 8 माइनस करेंगे 3 और 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 43 अधिक है किससे, ए से। ए की वैल्यू थी 128 मल्टीप्लाई में 100, इसको हमें सोल्व करना था। तो ये हो जाएगा 4300 डिवाइड में 128, 128 का अगर हम 4 गुणा करेंगे तो 4 गुणा तो ज़्यादा हो जाएगा, या 3 गुणा देख लेते हैं, 3 8 24, 2 3 2 6 और 2 8 और 3 1 3, 384 आएगा। फिर बचेगा कितना, 16 ये और 30 वो, यानी कि बचेगा फिर 46, 10। अगर आप 4 पर देखें तो 4 पर फिर ये 684 बनेगा, ज़्यादा बनेगा तो 3 पर ही जाएगा, तो 33 समथिंग आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में, 33.6% इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। ए बी से 25% अधिक है, जो ए है वो बी से 25% अधिक है, और बी सी से 40% कम है, सी से 40% ये कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है, सी जो है वो डी से 30% अधिक है, तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है, तो डी को मान लेते हैं यहाँ पर 100, इसका 30% अधिक यानी कि सी की वैल्यू हो जाएगी 130, इससे 40% कम यानी कि ये हो जाएगा 130 का 60%, 130 का 60% निकाल लें तो 13 6 78, बी हो जाएगा 78। अब जो ए है वो इससे 25% अधिक है यानी कि 78 का 125% निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 1/4 निकाल लो, उसमें जोड़ देंगे फिर, ये तो जाएगा 4 1 4, बचेगा कितना 3, 4 2 36, बचेगा 2 4 5 20, तो 19.5 अधिक है, तो 78 में 19.5 ऐड करें तो 5 8 8 16 और 1 17, और ये हो जाएगा 7 और 1 8 और 1 9, 97.5 हो जाएगा ए की वैल्यू। अब पूछा क्या है वो देखते हैं, ए डी से कितनी प्रतिशत कम है, तो जो ए है ये डी से कितनी प्रतिशत कम है, ये है 2.5, किससे, डी से, डी नीचे आएगा 100 मल्टीप्लाई में 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 2.5% कम है। ऑप्शन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 46, ए बी से 20% अधिक है, ए जो हो बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, बी जो हो सी से 25% अधिक है, इसी प्रकार सी डी से 60% कम है, जो सी है वो डी से 60% कम है, और डी ई से 20% अधिक है, और जो डी है वो ई से 20% अधिक है। तो यहाँ पर अगर ई को 100 माने तो डी कितना हो जाएगा 120, इसे 60% कम यानी कितना हो जाएगा इसका 40%, तो ये हो जाएगा 12 6 48, तो 48 हो जाएगा ये, इससे 25% अधिक है, 48 का 1/4 निकाले तो कितना आ जाएगा 12, तो 12 अधिक है तो कितना हो जाएगा ये 60। अब इससे 20% अधिक ए है, तो ये हो जाएगा इसका 1/5 निकालिए 12, 12 अधिक है यानी कि 72 हो जाएगा ए। अब देखो पूछा क्या है, ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं, बोला कि डी बी से 60% कम है, डी कहाँ पर, ये रहा डी, ये बी से 60% कम है, तो कम तो नहीं है ये, तो ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है वैसे, यानी कि आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सेकंड देखे, ई ए से 28% अधिक है, जो ई है वो ये रहा, ये ए से 28% अधिक है, तो वैल्यू में ये 28 ज़्यादा है, नीचे कितना आएगा 72 और मल्टीप्लाई में 100, नहीं ये 28% ज़्यादा अधिक नहीं होगा। ऑप्शन थ्री देखते हैं, ए डी से 40% कम है, जो ए है वो डी से 40% कम है, तो कितना कम है रेशियो में, तो ये हो जाएगा रेशियो में ये 28 और 20 48 और नीचे 120 मल्टीप्लाई में 100, तो 12 6 48, 0 से 0, तो 40% है ये, उसने 40% बोला था, यानी कि ऑप्शन थ्री इसका आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। यदि y का x परसेंट 150 और z का y परसेंट 300 है, तो x और z के बीच संबंध क्या होगा, क्या बोला, जो y का x परसेंट 150 है और जो z का y परसेंट है वो 300 के बराबर है, तो x और z में रिलेशन बताना है। तो अगर यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लें तो कितना आ जाएगा, ये 15000/x। अब यहाँ पर y की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं जो कि x के फॉर्म में है, फिर z और x में रिलेशन बता सकते हैं, तो z नीचे है 100 और y की जगह क्या रखना है 15000/x बराबर है 300 के, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 15 2 30 यानी कि z/x
बराबर हो जाएगा 2 के, या हम लिख सकते हैं जेड बराबर 2x के। अब किस ऑप्शन में ऐसा दे रखा है? ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 48 पर। 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है? तो 140 ग्राम 5.6 किलोग्राम का कितनी प्रतिशत होगा ये इसने बोला है, तो इसको भी हम ग्राम में बना लेते हैं, यानी कि 5600 ग्राम और मल्टीप्लाई में 100। 20 से 20 कैंसिल, 14 चौके 56 और 10/4 यानी कि 2.5%। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 49। यदि हम फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर F लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? लिख रखा है फोटोग्राफ, यहाँ पर कितने अक्षर हैं? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अक्षर। फिर बोला PH की जगह अगर हम क्या लिख दें? F। तो ये हो जाएगा FOTOGRAF। अब कितने अक्षर हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएंगे। तो कितने परसेंट की कमी होगी? 2 की कमी होगी। किसके रिस्पेक्ट में? 10 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई में 100। कितना हो जाएगा? 20% की कमी। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 50। आठ का 0.08 यानी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 1000 और परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, और मल्टीप्लाई में 0.08 यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100, और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा फिर 100। और इस पूरे की पावर है 1/9, इसको मैं सोल्व करना। तो देखो ऊपर कितना हो जाएगा 8 का क्यूब, और नीचे कितना हो जाएगा? 0 कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 10 की पावर 9 है। इस पूरे की पावर 1/9 है, यानी कि इसकी पावर भी 1/9 हो जाएगी और इसकी पावर भी 1/9। इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 8 की पावर 1/3 और ये हो जाएगा नीचे 10। तब 8 की पावर 1/3, 1/3 पावर होना ही क्या होता है? क्यूब रूट। तो 8 का क्यूब रूट होता है 2। 2/10 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.2। 50 में ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 51। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, यानी कि कोई संख्या मान लेते x, इसका 1/8, इसके 75% हो जाएगा 3/4 के 66 सही 2/3, ये हो जाएगा 2/3, क्योंकि 1/3 होता 33 सही 1/3, इसका मान दे रखा 179। तो उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा? तो पहले संख्या निकालनी है, 2 से कैंसिल करेंगे, ये आएगा 2, 3 से 3 कैंसिल, यानी एक्स हो जाएगा 179 × 8 × 16, ये संख्या हो जाएगी। इसको सोल्व नहीं करना है, मल्टीप्लाई मत करना। इस संख्या के 3/4 यानी 3/4 और इसका 33 सही 1/3 यानी कि 1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 चौके 16। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 36, देख लो इकाई अंक में 6 होना चाहिए, ऑप्शन 1 में है और ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 तो आएगा ही नहीं, यहाँ पर पॉइंट का तो कुछ मतलब ही नहीं है, हम तो सीधी सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना आएगा? 716, ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52। एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या की 70% महिलाएं हैं, 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों के कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली, यदि वहाँ 105 महिला कर्मचारी हैं तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली? तो हम मान लेते हैं कि 100% वहाँ पर कर्मचारी हैं और इनमें से 70% है महिलाएं, फीमेल, तो मेल कितने होंगे यहाँ पर? 30%। अब इसके लास्ट लाइन पढ़ो आप, इसने दे रखा कि यदि वहाँ 105 महिलाएं कर्मचारी हैं, यानी कि 70% की वैल्यू कितनी दे दी इसने? 105। तो 10% कितना हो जाएगा? 7 से कैंसिल करेंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, 10% बराबर है 15 के, तो 30% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 × 3 = 45, 45। तो जो पुरुष हैं वो हैं 45 और जो महिला है वो 105, इनके टोटल कितने हैं? 150। फिर इसने बोला कि 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली, तो 85 पुरुषों सहित, तो पुरुष तो वैसे 45 दे रखे हैं इसने, तो 85 कहाँ से आ जाएंगे? तो इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें थोड़ी मिस्टेक दे रखी है। अब चलते हैं 53 पर। ये 240 का A% सी है और ए का C% 117.6 है, तो ए जमा सी का मान ज्ञात कीजिए। 240 का A% सी के बराबर है और फिर बोला है ए का C% किसके बराबर है? 117.6 के बराबर है, तो ए जमा सी हमें निकालना है। अगर हम सी की वैल्यू को यहाँ पर रख दें तो फिर ए निकाल सकते हैं, तो A/100 और सी की वैल्यू को यहाँ से उठा कर रख देंगे, 240 × A/100,
ये है 117.6 के बराबर, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, अब ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 3 24, 8 1 8, यहाँ से बचेगा 3 8 4 32, फिर बचेगा 5 8 7 56, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 4 12, 2 बचेगा 3 ही में 27, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, इस साइड से जाएगा तो 49 100, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70, ए की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, सी की वैल्यू आ जाएगी 240 × 70/100, ये है सी के बराबर, 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 28, 2 7 2 14 और 2 16, सी की वैल्यू कितनी आ गई 168, तो ए जमा सी की वैल्यू में निकालनी है 168 और 70 हो जाएगा 238, ऑप्शन वन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, यदि 250 का x जमा 20% 220 के x परसेंट से 25% अधिक है तो x जमा 50 का 10% x के 15% से कितने प्रतिशत कम होगा, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है, 250 का x जमा 20% 220 के x परसेंट से 25% अधिक है, यानी कि इसका 125% होगा, तो 125/100, इसको सोल्व कर लेते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 से कैंसिल करें 25 100 का 100, 25 5 125, 4 से कैंसिल करेंगे 220 को, 4 5 20, 4 5 20, 5 से 500, 250 को कैंसिल करेंगे तो 50, 5 से कैंसिल करेंगे 10 और यहाँ पर 11, 10 की मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, 10x जमा 200 बराबर 11x, 10x को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 200 बराबर x, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 200, पूछा क्या था x जमा 50 का 10%, तो ये हो जाएगा 250 का 10%, तो कितना हो जाएगा ये 25, x के 15% से कितने प्रतिशत कम है, तो x यानी कि 200 का 15% हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 15 × 30, ये 30 हो जाएगा, अब ये इससे कितना कम है 5 कम है, किससे 30 से, नहीं तो नीचे आएगा 30 और गुणा में 100, 5 6 30, 1/6 कितना होता है 16, सही 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर 55, दो संख्याएं x और y, संख्या z का क्रमशः 18% और 30% है, तो तीन संख्याएं हैं x y z, अगर z को मान ले 100 तो जो x है वो इसका 18% यानी कि 18 हो जाएगा और y z का 30% यानी कि ये 30 हो जाएगा, पूछा क्या है संख्या y संख्या x की कितने प्रतिशत कम है, कम नहीं है कितने प्रतिशत है, यानी कि 30 18 का कितने प्रतिशत है ये हमें बताना है, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 6 18, तो ये हो जाएगा 1000/6, 2 से कैंसिल करें, 3 आएगा ऊपर 500, डिवाइड करेंगे 3 1 3 बचेगा 2 3 6 18, बचेगा 2 3 6 18, यानी कि ये 6 से आता रहेगा, तो ये 167 हो जाएगा, निकटतम इसने पूछा था ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 56, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ए बी का 150% है और बी सी का 40% है, यदि ए जमा बी जमा सी 20 है तो 2b + 3c - 4a का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको रेशियो से कर लेते हैं, ए और बी क्या बोल रहा है कि जो ए है वो बी का 150% है, 150% कितना हो जाएगा 150/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 2 10, अगर बी 2 है तो ए कितनी है 3, फिर बोला है बी सी का 40% है, 40% होता है 2/5, अगर सी 5 है तो बी कितना हो जाएगा 2, अब यहाँ पर बी है और यहाँ भी बी और रेशियो भी सेम है, यानी कि इन तीनों की रेशियो हो जाएगी 3:2:5, ये ए बी सी की रेशियो है, अब रेशियो में जोड़ कितना है 10 और इसने जोड़ दे रखा हमें 20, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू है 2, तो इनकी रियल वैल्यू हो जाएगी ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10, पूछा क्या है 2b यानी कि 4 2 8 जमा में 3c, तो ये हो जाएगा 30 और माइनस में 4a 4 6 24, तो ये हो जाएगा 6 और 8 14, तो 14 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, तो ये टाइप हमारी कंप्लीट हो गई है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।